हूँ निवेदिता, अगर हम आपसे कहें कि 11-12 साल की उम्र में शादी कर बच्चे माँ बाप बन रहे हैं तो शायद आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सच है। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना लिखना खेलना कूदना चाहिए उस उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, और जिस बारे में वो सही से जानते भी नहीं उन्हें वो काम करने के लिए दे दिया जाता है। एक तरफ जहां दुनिया चांद पर जाने की कोशिश में है, वहीं इसी दुनिया का ये देश अपने देश का भविष्य बच्चे पैदा करने में खराब कर रहा है। बच्चों को कभी ऐसी बातें नहीं सिखाई जाती जो उनके लिए सही नहीं होती। अक्सर बच्चों को सेक्स और प्यार जैसी बातों से दूर रखा जाता है। ऐसी बातें उम्र के साथ ही सबको समझ में आती हैं, लेकिन इस देश में बच्चों को सेक्स के लिए प्रेरित किया जाता है। जी हाँ, बच्चे ही बच्चे पैदा करना सीख जाते हैं और ऐसा करते भी हैं। पापुआ न्यू गिनी एक ऐसा देश है जहाँ पर लोग छोटी उम्र में ही बच्चे पैदा कर रहे हैं और माँ बाप बन रहे हैं। इसके पीछे का कारण है जो आपको हैरान कर देगा। हम बात कर रहे हैं पापुआ न्यू गिनी में रहने वाली ट्रोबिएंडस जनजाति का। 11-12 साल की उम्र में तो यहाँ बच्चों की शादी कर दी जाती है। इस जनजाति में बच्चों को बाकायदा फिजिकल रिलेशन की ट्रेनिंग दी जाती है। परिवार की सहमति से ही ये शादी होती है। जिन लड़के लड़की के बीच फिजिकल रिलेशन हुए हैं अमूमन उनके बीच ही शादी होती है, लेकिन लड़के लड़की अगर चाहें तो आपसी सहमति से वो अपने पार्टनर बदल भी सकते हैं। ये परंपरा यहाँ सालों से चली आ रही है। इसके चलते बच्चे कम उम्र में ही परिपक्व हो जाते हैं। 20 साल की उम्र होते होते तो ये 4-5 बच्चों के माता पिता बन चुके होते हैं। इतना ही नहीं, इन बच्चों से छोटी सी उम्र से ही काफी शारीरिक काम भी करवाया जाने लगता है। इसे सुनकर आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा होता क्यों है, तो चलिए इसका भी जवाब आपको दिए देते हैं। पापुआ न्यू गिनी में 70% महिलाओं का उनके जीवन काल में बलात्कार किया जाता है या उन्हें किसी किस्म की यौन हिंसा का शिकार होना पड़ता है। और चिंता की बात यह है कि ये यहाँ आम बात है। चलते फिरते किसी महिला को उठा लेना, रेप करना, सड़क पर महिलाओं के साथ मारपीट करना, ये सब यहाँ आम बात है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ जनवरी 2018 से मई 2018 के बीच 6000 रेप और घरेलू हिंसा के मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से कुछ गिने चुने मामलों में ही सजा हो पाई है। एक बात और, यहाँ के स्थानीय बदमाशों को रास्कल कहा जाता है और इन लोगों पर यहाँ बलात्कार करने के सबसे ज्यादा आरोप लगे हैं। तो इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ महिलाओं की स्थिति कितनी दयनीय है। शायद इसीलिए यहाँ के बच्चों के परिवार वालों को ये कदम उठाना पड़ता है। वैसे आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमारी ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं।